मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे बूढ़े जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। मैं CMS हूँ, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक। मैं डॉक्टर वी शुक्ला। क्योंकि तरह तरह की भ्रांतियाँ और लोगों में अफवाहों के चलते कुछ संशय था, कुछ डर था, अतः मैं खुद सबसे पहले अपना टीकाकरण कराया हूँ। लोगों का उत्साह वर्धन हो जिससे लोगों का आत्मविश्वास बढ़े, फिर उसके बाद से हमने अपने यहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों टीकाकरण शुरू कराया। एकदम सामान्य महसूस कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं महसूस हो रही है। मुझे लगवाए हुए करीब 10 मिनट हो गया और अभी तक मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं महसूस हो रही। क्या प्रक्रिया पूरी वैक्सीनेशन की, क्या प्रक्रिया? ये वैक्सीनेशन जो है इस कोरोना के जंग में ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और ये जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब तक दवाई नहीं तो ये एक दवा हम लोगों को उपलब्ध हो गई है, और जब तक इसका दूसरा डोज नहीं लग जाता मुझे हम सब लोगों को उसी तरह से अपना बचाव करना है, मास्क लगाना है, दूरी 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है। टीका लगवाने पर प्रथम डोज लगवाने के बाद ये कतई नहीं समझने की भूल करना है कि अब मैं सुरक्षित हो गया। जब तक दूसरी डोज नहीं लग जाती है तब तक आपको उसी तरह से हर व्यक्ति को उसी तरह से अपने को बचाव अपना करना है। सर, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किसी को वर्जित किया जिसको वैक्सीन लगना हो? कोरोना प्रोटोकॉल के तहत केवल गर्भवती महिला और जो लोग 18 साल से कम के बच्चे, कम उम्र वाले बच्चे, और जो लोग खुद प्रेजेंट में इस वर्तमान में COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको छोड़कर बाकी सभी लोगों को ये टीका लगना है। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अफसरी है। अफसरी, आप कहाँ पे कार्य करती हैं? दीनदयाल में करते हैं सुपर का काम। तो आज क्या हुआ अपना? हम अपना वो करवाए थे रिजर्वेशन वहाँ, और हमको टीका लगना था, आज लगा है, एकदम हम ठीक ठाक हैं। कितना दिन हुआ टीका लगाया? अरे हो गया धीरे, 11-27 पर। अच्छा, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है? और लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग नहीं लगवाए? नहीं तो बोलेंगे यही बतिया सबसे, कहेंगे कि आप लोग लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना वहाँ जाके नाम हम लिखवा लीजिए। और मैं अपना फॉर्म भरा और मैं तो मेंटली प्रिपेयर था। CMS साहब ने हमको बुलवाया कि लगवा लो, तुम्हारा उम्र 58 साल है, डायबिटीज ब्लड प्रेशर है, तो तुम पहले लगवाओ। तो हम आके पहले ही लगवा लिए। किस तरह की प्रॉब्लम लगवाने के बाद? कोई प्रॉब्लम, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे लगवा दिया सरकार ने। कितना मैं सुरक्षित? अरे लगवाने में 30 सेकेंड लगा, अधिक से अधिक।
लगा? हमको कुछ नहीं, हम तो एकदम खुश हैं। अब मैं जा रहा हूँ, आधा घंटा यहाँ रुकूंगा, घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, ऊपर एक बजे से ड्यूटी है, ESI हॉस्पिटल में फ्लू OPD करना है, ड्यूटी करूंगा, उसके बाद शाम को जो हो सकता है इतना खुश हूँ कि पिक्चर भी देखने जाऊँ। सर लोगों की तमाम तरह की भ्रांतियाँ हैं। अरे कहीं कुछ नहीं भाई, तो लोग को क्या है, लोग तो कहते हैं कि देसी घी खाओगे तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हम तो खुश हैं, बहुत खुश हैं। ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों से कहना चाहिए कि बेवकूफ़ी मत करिए, सुई लगवाइए, जान बचाइए, बहुत बड़ी। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के सैनिक जाता है ना लड़ाई में, वैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनिए। कोरोना फोरोना कहीं आईपे नहीं करेगा, आपके शरीर से टकराएगा ही नहीं, भाग जाएगा। हाँ 100% तो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। पहला लगा अभी हम सारा प्रिकॉशन लूंगा एक महीना तक, फिर दूसरा लगेगा 28 दिन बाद, जब हमको CMS साहब बुलाएंगे तब लगवाएंगे। और तो हमको तो कोई परेशानी नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं। हम तो जा रहे हैं अभी क्रिकेट खेलेंगे आधा घंटा, तो खाना खाएंगे, फिर से ड्यूटी पे आ जाऊंगा। कितनी बार लगना है? 2 बार लगना है, 28 दिन बाद लगभग लगेगा फिर। 28 दिन बाद? हाँ हाँ, 1 महीने बाद बुलाएंगे, CMS बुलाएंगे, हमको डेट देंगे, उत्तर सरकार डेट देगी तो CMS बुलाएंगे, तो हम आके लगवाएंगे फिर।